अपने पार्टी को पर्सनली मुझको भी बहुत बड़ा ताकत मिला है। उससे पहले गुंडो रेड्डी साहब भी ज्वाइन करे तो उनका फर्स्ट उन्होंने आए इधर और उन्होंने आए फिर बाद में वो ट्रेन के जैसे चल रहा है गाड़ी तो कंटिन्यूसली लोग आना शुरू करे हैं। ज्वाइन कर रहे हैं और उसके पहले हमारे शिव कुमार बिरादर ज्वाइन करे, फिर राजा रेड्डी भी ज्वाइन करे कल, तो सभी लोग ज्वाइन करे। इसके बाद सोचने वाली बात क्या है बोले तो ये सब लोग ऑर्डिनरी वर्कर नहीं है, सब एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड लीडर्स हैं। हाँ, हमारे जिम्मेदार लीडर है हमारे तालुका के और वो सोच समझ कर और बहुत साल से बीजेपी में रह चुके लोग है ना। आप तीन लोग बीजेपी में हैं, आप इंडिपेंडेंट भी कर रहे थे तो, लेकिन एक सिद्धांत पर चलकर और एक कुछ आइडियोलॉजिकल कनेक्ट रखकर काम कर रहे हैं। तो आज अगर वो छोड़कर आ रहे हैं बोले तो कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम होगा है ना, ये सोचने वाली बात है। तो ये बात अब बहुत सारे लोग जो उनके पास है वो लोग भी सोचना चाहिए है ना। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इनको वेलकम करता हूँ और हमारे पार्टी को और मुझको पर्सनली भी, हमारे पार्टी को पर्सनली मुझको भी बहुत बड़ा ताकत मिला है। उससे पहले गुंडो रेड्डी साहब भी ज्वाइन करे तो उनका फर्स्ट उन्होंने आए इधर और उन्होंने आए फिर बाद में वो ट्रेन के जैसे चल रहा है गाड़ी तो कंटिन्यूसली लोग आना शुरू करे हैं। तो ऐसा सिचुएशन है और आप लोगों को भी मालूम है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। सब तरफ वो क्या लास्ट दो साल में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितना मॉल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, तो आप लोगों को भी मालूम है, उसके बारे में हम दोहराते नहीं। अब आ गया है टाइम, अभी 10-15 दिन में अब सीधा बताना है। अब हमारा को जो भी गुस्सा है हमारे वर्कर्स को, हमारे लीडर्स को और हमारे वोटर्स को बोलता हूँ, वो अब गुस्सा वगैरह क्या भी करना नहीं है, ठंडे दिमाग से काम करना है 15 दिन और गुस्सा क्या भी बताना है तो 10 तारीख के दिन बताना है और वो 10 तारीख का जो गुस्सा आपका है वोट डाल के बताना है और 13 तारीख को उसका रिजल्ट वापस आना है ना। और किसी को और एक बात क्या है कि कोई लोग ये लोगों को थोड़ा धमकी दे रहे हैं वगैरह बोल रहे हैं, अब इतने लोग सब साथ में बैठे हैं वो धमकी से और कोई डरेगा क्या? कोई तो मेरे को क्या लगता नहीं कि वो डरेगा और जो धमकी देने वाला ही डर गया, जो धमकी देने वाला है वो ही डर गया, वो डर के धमकी दे रहा सबको है ना। तो इसीलिए हमको आपको कुछ नहीं करना है, हमको शांति से बहुत क्या बोलते सब्र से काम करना है। तो आप लोग सब, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग थोड़ा और मेहनत करके करो, बस उतना ही है। अब इतने सब लोग हैं और हमारे पूरे पुराने कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नहीं कर रहे, सब लोग मिलके अगर काम का जो कोऑर्डिनेशन में काम करें 100% हम ही इलेक्शन जीतेंगे, इसमें क्या डाउट ही नहीं। तो अब सब लोग कर रहे हैं और ऐसे लोग आ रहे हैं, ये लोग और जो लोग यहाँ पर आए हैं ये मतलब एक अच्छे स्वभाव के लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में कुछ लोगों के लिए काम करना बोल के आए वाले वैसे लोग हैं। ऐसे लोग कोई भी, हम कोई भी ज्वाइन कर रहा बोले तो ले रहे नहीं है, अच्छे लोग हैं, सिद्धांत से लोग हैं। कौन हम आया, और एक बात बोलता हूँ, कौन भी हमारे पास आ रहे हैं ना, मैं उसको बोलता हूँ अभी 2 दिन सोच के आओ बोल के, तो वो लोग ही बोल रहे नहीं सर आज ही ज्वाइन कर, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ आपको। हाँ, तो कोई भी जब आते हैं अगर उसको थोड़ा डाउट लगता है मैं बोलता हूँ नहीं कुछ क्या जल्दी नहीं है, आप सोच समझ के आओ।
लेकिन एक बार जब हमारे पास आते तो जिंदगी भर के लिए आना, सिंपल बात है हमारा, है ना। तो इसीलिए और वो लोग भी सोच समझ के आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो सिद्धांत है, हमारे साथ जो काम करने का उनको तरीका है, वो सब उनको पसंद आ के हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बार, और मैं कभी भी आप लोगों का आभारी रहूंगा बोल के इस मौके पे कहना चाहता हूं। हम लोग सब लोग साथ मिलकर चलेंगे, हम लोग ये करेंगे, और हमारे को आप बेलूर में, मंठाल में, हमारे CMC में, आप लोग दो लोग CMC से है और मंठाल से है, सब तरफ, और ये लहर सब तरफ जाएगा, एक ही देखिए।